नमस्कार, मैं हूं बलराम सर्राफ। आप देखना शुरू कर दिए हैं केआर न्यूज। इस समय मैं दरभंगा जयनगर पथ पर स्थित राजनगर स्टेशन पर हूं और राजनगर स्टेशन हाईटेक बनता जा रहा है। यहां यात्री सेट का निर्माण किया गया है जो एक नंबर प्लेटफार्म से दो नंबर प्लेटफार्म पर अब लोग पटरी टपके नहीं सीधा सीढ़ी के माध्यम से चढ़ के उतरेंगे दो नंबर प्लेटफार्म पे। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जो एक नंबर से दो नंबर प्लेटफार्म के लिए जो बना हुआ है सेट वो दिखलाएं। आपको अब लगेगा कि हम राजनगर स्टेशन पे नहीं हैं, राजनगर छोड़ के कहीं अन्य स्टेशन पर हम हैं। और राजनगर स्टेशन पर इतना ही नहीं, यहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल क्लॉक भी लगाया गया है, साथ में बाहर में डिजिटल नेम प्लेट भी लगाया गया है। और अभी गंगा सागर ट्रेन पहुंचने वाली है और मैं आपको यहाँ दिखलाऊंगा, यहाँ जो प्लेटफार्म का जो बना हुआ है पहले का प्लेटफार्म उसकी ऊंचाई बहुत ही कम है, यहाँ चढ़ने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। राजनगर स्टेशन पर ट्रेन जब रुकती है तो यहाँ जो प्लेटफार्म का निर्माण हुआ है वो रेल लेवल नहीं होके प्लेटफार्म नीचे है और यात्री को चढ़ने परेशानी होती है। गैप इसमें ज़्यादा है, अपने सहयोगी से कहूँगा थोड़ा नीचे दिख लाइए, गैप ज़्यादा है, लोगों को चढ़ने में परेशानी होती है, इससे खतरा बना रहता है। यहाँ यात्री भी बताते हैं कि बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष अगर आते हैं यात्रा करने और ट्रेन पे चढ़ते हैं या उतरते हैं तो खतरा महसूस करते हैं। और गंगा सागर ट्रेन है अभी जो जयनगर से सियालदह जाती है वो खुल चुकी है। यहाँ जो ट्रेन जाती है वो इलेक्ट्रिक इंजन के द्वारा जाती है। अभी लॉकडाउन के पीरियड में इलेक्ट्रिक ट्रेन ये लाइन का सप्लाई हुआ, अब सहयोगी से हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक जो सप्लाई हुआ है उसे भी थोड़ा सा ऊपर करके दिखलाइए। साथ ही स्टेशन पे आपको यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल क्लॉक भी लगा है, जो यात्री यहाँ आते हैं और डिजिटल घड़ी से टाइम देखते हैं। उसके बाद कुछ चेयर भी बना है, नया चेयर बना है, प्रतीक्षालय में भी लोग चेयर पर बैठते हैं। अब देख सकते हैं दो नंबर प्लेटफार्म है, वहाँ जगह जगह रेलवे द्वारा चेयर का निर्माण किया गया है जिससे यात्रियों को बैठने में सुविधा हो। थी आपको मैं भी ये भी दिखलाऊंगा कि स्टेशन के मुख्य गेट पर ये 3D नेम प्लेट लगा है। राजनगर स्टेशन के हम मुख्य गेट पर हैं, यहाँ 3D नेम प्लेट लगा है जो अभी दिन का उजाला है, इसमें लाइट भी लगे हुए हैं और रात में भी अच्छा लगता है देखने में। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में तीनों भाषा में यहाँ नेम प्लेट लगाया गया है। और ख़ास करके आपको ये भी हम बता देते हैं कि अभी कोरोना काल जो बीता है उसमें यात्रीगण के लिए जो ट्रेन में ये जनरल बोगी था उसको 2S बोगी बना दिया गया है और स्लीपर बिना रिजर्वेशन टिकट का एक भी यात्री सफ़र नहीं करते हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। सरकार का, रेल मंत्रालय का पूरी तरह से ध्यान है। तो मैं अपने सहयोगी सुनील कुमार के साथ राजनगर स्टेशन परिसर से, आप देखते रहिए केआर न्यूज़। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपके सब्सक्राइब करने से बढ़ेगा हमारा हौसला। फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ के लिए, तब तक देखते रहिए केआर न्यूज़। धन्यवाद।